हज़रत लोग घरों में नमाजें और जमातें कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ आपस में मिलकर जमातें कर रहे हैं सवाल ये है कि अगर हस्बैंड नमाज पढ़ा रहे हैं तो वाइफ उनके किस तरफ खड़े हो दाएं या बाएं बाएँ वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया ये अच्छा सवाल है हाँ घर में आजकल जमात कर रहे तो अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ दो ही हैं और कोई नहीं है तो हस्बैंड जो इमामत के मसल पे खड़ा हो और औरत जो पिछली सफ़ में उसके दाएं बाएं नहीं हाँ मर्द जो है वो दाएं तरफ खड़ा हो, होता है अगर एक है लेकिन एक औरत अगर है आपकी भले महरम है वो पिछली शफ के अंदर खड़ी होगी और अगर जो को उनके साथ को न, 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 ना, ना महरम खातून भी इक्तदा करना चाहती है तो फिर मुतसर पिछले सफ में तो बीवी खड़ी हो और उससे पिछली वाली सफ़ के अंदर उस नामैरम औरत को खड़ा किया जाए तो ये तरतीब है और अगर अकेला आदमी पढ़ा रहा है और घर में जो है सिर्फ नामैरम औरत है बस उसकी जमात करानी बाकी बच्चे बच्चे हैं तो फिर जो है वो फिर दो सफ़ दो सफ़ पीछे खड़ी हो और इमाम के मुसलफ आदमी हैं दो सब पीछे जो है वह नामहरम जो है वो, वो इकतदा कर सकती है तो इस तरीके से घर के अंदर नमाज की तरतीब होगी बहुत शुक्रिया